Muslim women distributed sweets among themselves in a bid to cherish the tabling of Triple Talaq bill in the Lok Sabha on Thursday. हम कहीं ना कहीं जीत हासिल कर रहे हैं और एक नाजायज तरीके से गैर कुरानिक तरीके से जो तलाक दी जा रही थी उस पे ये कहीं ना कहीं बैन सुप्रीम कोर्ट तो लगा ही चुकी है, लेकिन जब तक कभी किसी चीज में कानून नहीं बनेगा और कानून में सजाएं नहीं होंगी तब तक बहुत मुश्किल काम है कि हम उसको लॉ को आगे तक ले जाएं। हमारा ये भी कहना है कि मुस्लिम लॉ का कोडिफिकेशन होना बहुत जरूरी है, कोडिफाइड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आयतें तो मुझे बहुत अधिकार दे रही हैं, लेकिन उन अधिकारों को लेकर मैं कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं, कैसे उनसे मैं सहायता मांगू, ये मुझे कोई जरिया नजर नहीं आता। तो हमारा ये मानना है कि जब लॉ बनेगा तो हमारे हाथ में एक सशक्त चीज हाथ में आएगी जिसको लेके हम कोर्ट कचहरी तक जाएंगे और हम भी लड़ेंगे। बिल्कुल हम अपनी जीत मानते हैं और हम स्वागत करते हैं इसका बहुत बहुत। Women who have been victims of the ill practice thanked the center for paying attention to their plight. हमने शायद ऐसी उम्मीद लगाई भी थी सरकार से जब हमने चुना था कि यह हमारे बारे में कुछ करेगी और इसने किया है, तो हम बहुत दिल से शुक्रगुजार हैं इसका। The bill was tabled by Union Law and Justice Minister Ravi Shankar Prasad.